हाई एवरीवन, माई सेल्फ एनजे एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चीता प्रिंट आई शेडो मेकअप लुक। और अगर आपको ये लुक पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं मेकअप बाय अप्लाइंग प्राइमर ऑन माई फेस। यहाँ पे मैं इनसाइड का प्राइमर यूज कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर लगाऊंगी, अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे पाउडर से इसको सेट करूंगी। तो अब बारी है आई शेडो लगाने की। यहाँ पे मैं लाइट ब्राउन कलर ले रही हूँ, इसको अच्छे से मैं अपनी आईज पर लगाऊंगी। इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा कम थी तो इसलिए मुझे इसे बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लूंगी डार्क ब्राउन कलर, इसको भी मैं पूरी आईलिड पर लगाऊंगी। एक तरह से दोनों कलर का मिक्सचर मैंने यहाँ पे डाला है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ब्राउन शेड नहीं था जो प्रॉपर मुझे चाहिए था। तो इस तरीके से मैंने ये कलर बिल्डअप किया है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगी आईलाइनर। आईलाइनर लगाने के बाद नेक्स्ट बारी आती है चीता प्रिंट बनाने की। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने लिया है लाइनर। मेरे पास पेन आईलाइनर नहीं था, लिक्विड लाइनर था, तो मैंने यहाँ पे ब्रश की हेल्प से बनाया है। बनाने के लिए आपको क्या करना है, डॉट सी करके बनाना है आपको यहाँ पे, जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको क्लोजअप पे दिखा रही हूँ। बहुत ईजी है, लगता कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ज्यादा ईजी है। बस आपको डॉट करना है, सी बना देना है, डॉट करना है, सी बना देना है। तो इस तरीके से आपको पूरी आईज पर अपना ये बना देना है। और बनाने के बाद आपका ये पूरा परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लैशेस लगाऊंगी। लैशेस लगाने के बाद बारी आती है फेस को प्रेप करने की। प्राइमर लगा दिया है, उसके बाद बारी आती है यहाँ पे करेक्टर यूज करने की। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी फाउंडेशन अच्छे से। फाउंडेशन लगाने के बाद पाउडर से इसको मैं सेट कर देती हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगी कंसीलर, तो हाईलाइटेड एरिया पे लगा देना होता है जैसे कि आप सबको पता ही है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग करूंगी। कॉन्टोरिंग करने के बाद अच्छे से उसको ब्लेंड करना है। पूरा मेकअप जो भी आप करते हो बहुत अच्छे से ब्लेंड करना, वरना वो बहुत ज्यादा केकी दिखता है। ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा अपना ना हल्का सा मतलब गीला करके रखना जिससे कि ब्लेंडिंग में आपको आसानी हो। इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रॉन्जर लगाऊंगी। ब्रॉन्जर लगाने के बाद वही अपना ब्लश और हाइलाइटर लगाना है एंड आपका ये मेकअप हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद लिपस्टिक की बारी। यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इस लुक पे कौन सा लिपस्टिक ज्यादा सूट करेगा, तो मैंने पहले से थोड़ा सा ट्राई किया तो ये सूट कर रहा था तो मैंने यही लिपस्टिक लगा दी। अगर मैं इस पे और लाइट लिपस्टिक लगाती तो शायद वो भी सूट कर जाती। तो यहाँ पे होता है मेरा ये लुक कंप्लीट। तो बस यही था मेरा आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।